सोबिया, हद हो गई है सुस्ती की। अभी तक तुम सब्जी काट रही हो, सुबह से तुम्हें खा हुआ है, और कब खाना बनेगा, कब हम लोग खाएंगे, भूख से बुरा हाल हो रहा है। बस भाभी हो गया, थोड़ी देर हो। और ये पंखा किसने चलाया? पंखा मैंने चलाया था भाभी, बहुत गर्मी थी, चक्कर आ रहे थे। तौबा है भाई, बड़ी नवाबी आदतें हैं तुम्हारी, है ना? सारा दिन तो पड़ी बिस्तर तोड़ती रहती हो, आज एक काम कह दिया है तुम्हें खाना बनाने का, इतने नखरे हो रहे, पंखा भी चलेगा। देखो तुम तो मुफ्ते में रहती हो, इसलिए तुम लोगों को सिवाय रोटियां तोड़ने के और कुछ नहीं आता, लेकिन हम लोग मेहनत करके खाते हैं, इसलिए हमसे ये अय्याशियां बर्दाश्त नहीं होती। हाँ। हद हो गई। खिजरा, यहाँ बहुत हमारी बेइज्जती हो गई, तुम्हें काम करो, तुम चाचू का भी फोन करो, वो हमें लेने आ जाए, मैं यहाँ आप और नहीं रह सकती। अम्मी को पता चलेगा तो वो कितना बुरा मानेंगी, उन्होंने मना किया था ना, और चाचू कौन सा कॉल बैक कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानती, मैं काम करती हूँ, मैं खुद ही फोन करती हूँ, तुम तो उन्हें फोन करोगी नहीं। ये क्या हो रहा है? हाँ, किससे बात कर रही थी? शर्म नहीं आती तुम्हें लड़कों से सब बातें करती हुई? नहीं मम्मा ने, आप ये कैसी बातें कर रही है, मैं चाचू से बात कर रही थी, आप चेक कर लीजिए। बस बस रहने दो, जानती हूँ तुम्हारे ये चाचू वाचू के सब ड्रामे, और मुझे ये भी पता है कि तुम दोनों लड़कों को नंबर बांट के चाचू के नाम से सेव करती हो। चलो तुम्हें तो अब तुम्हारे मामू ही संभाल। भाभी क्या कर रही है आप मेरी बच्ची के साथ? ये बात तुम अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछ लेती? आप बिना वजह शक कर रही है मेरी बच्ची पे। अब शक है या क्या है, ये फैसला तो अकमल ही करेंगे। चलो मम्मा ने मेरी बात सुने, मैंने कुछ भी नहीं किया।